तो ये लीजिए दोस्तों, हम आपके साथ फिर से एक नया वीडियो शेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो अभी दोस्तों बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में सभी लोगों को कुछ ना कुछ चटपटा खाना होता है। तो आज हमारे घर में भी बना है पकोड़े। तो ये पकोड़े हमने किसके बनाए हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हमने ये पकौड़ियाँ किस किस चीज़ से बनाई है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है, तो इस बाउल के अंदर हम बेसन का घोल बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने बेसन लिया है, 400 ग्राम हमने बेसन लिया है। तो जितना आप बनाना चाहो पकोड़े, उस हिसाब से आप बेसन लीजिएगा दोस्तों। तो अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है, इसका अच्छा सा हमें घोल बना लेना है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पानी आपको एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस इसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है और इसका अच्छा सा घोल बना के तैयार करना है। एक साथ पानी डालने से क्या, घोल तो बन जाता है लेकिन वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका अच्छा सा घोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो जब तक मैं ये घोल बनाती हूँ दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालते, ये देखिए इस प्रकार का हमें घोल बना के तैयार करना है। तो दिख रहा है ना आपको कितना अच्छा हमारा परफेक्ट घोल बना है, ना इसको ज़्यादा आपको गाढ़ा रखना है ना इसको बिल्कुल आपको पतला रखना है, बस इसी तरीके का आपको घोल बना के रखना है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, तब तक हम जिस चीज़ की हम पकौड़ी बनाएंगे वो सब्जियां काट के रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आज हम आलू और मिर्च और प्याज के पकौड़े बनाएंगे। तो इसके लिए हमने प्याज को भी काट लिया है, आलू और मिर्च को भी हमने अच्छे से पानी से धो के काट के रख लिया है। तो यहाँ पर हम सभी चीज़ों को तैयार कर लिया है। तो अब देख लेते हैं कि हमें हमारा बैटर तैयार हुआ है या नहीं। 10 से 15 मिनट हो गया है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 10 से 15 मिनट हमने घोल को रख दिया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और यहाँ पे आधा चम्मच हम डालेंगे अजवाइन, और एक चुटकी हमें डालना है मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना, वही सोडा आप यहाँ पे आपको डालना है। और यहाँ पे हम एक चम्मच तेल डाल देते हैं, तो जिस तेल में हम पकौड़ी बनाएंगे उसी तेल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये तेल हल्का सा गरम है दोस्तों, तो गरम तेल ही आपको डालना है। तो अब सभी चीज़ों को डाल के हम धीरे धीरे इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रिक के साथ अगर आप ये पकौड़ियाँ बनाओगे ना, तो आपकी पकौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगी और बिल्कुल फुली फुली आपकी पकौड़ियाँ बनेंगी दोस्तों। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों, जैसे हमने किया है तब आपके पकौड़े बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बेसन को हमने अच्छे से घोल के रख लिया है, और अब हम इसमें पहले मिर्च के पकौड़े बनाएंगे। तो इसको एक एक मिर्च को हम बेसन में डिप करते जाएंगे दोस्तों, और इसको हम तेल में छोड़ते जाएंगे। तो तेल को अच्छा गरम करना है आपको, और यहाँ पे एक एक मिर्च बेसन में डिप करके हम तेल के अंदर डालते जाएंगे दोस्तों। तो ये बारिश के मौसम में दोस्तों, मिर्च के पकोड़े हो या चाहे आप ब्रेड पकोड़े ले लो, कुछ भी आपको खाने का मन हो तो बस तुरंत बनाइए और खाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बारिश के मौसम में ही ज़्यादा अच्छा लगता है पकोड़ा खाना। तो इस वजह से आज हमारे किचन में भी मिर्च के और आलू और प्याज के हम पकोड़े बना रहे हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइए और खाइए दोस्तों, आपको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे मैं सारी मिर्च के पकोड़े इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे मिर्च के पकोड़े बना लिए हैं। इसको हम अलट पलट करके अच्छे से हम इसको सेकते जाएंगे दोस्तों। तो गैस के आँच को आपको धीमी रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपको इनको नहीं पकाना है। तो गैस के आँच को आपको बिल्कुल लो पे रखना है। तो यहाँ पे देखिए, सारे मिर्च के पकोड़े हमारे बन गए हैं, ये देखिए। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, देखिए कितने अच्छे हमारे पकोड़े बनके तैयार हुए हैं दोस्तों।
ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो मैं सारी मिर्च के पकौड़े निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे जो बेसन का घोल बचा हुआ है, तो यहाँ पे इसमें हम आलू और प्याज के पकौड़े बनाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें चटपटा करना है। तो इसके लिए हम थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं। तो पहले हमने इसमें इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि हमने मिर्च के पकौड़े बनाने थे, तो इसलिए मैंने पहले इसमें लाल मिर्च ऐड नहीं किया। तो अब इसमें लाल मिर्च डाल के इसको अच्छे से हम घोल के तैयार कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए अच्छे से तैयार हो गया है। और यहाँ पे हम आलू लेंगे और आलू को भी बस एक एक हम इसमें बेसन में डिप करेंगे और तेल के अंदर हम डालते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों इसी तरीके से बस आपको आलू के भी पकौड़े बना के तैयार कर लेने हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने आलू के भी सारे पकौड़े बना लिए हैं। और ये देखिए ये अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं। इनको भी मैं बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे लग रहे हैं ना। इसके साथ चाय के साथ ये पकौड़े खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चाहे चाय के साथ खाओ इसको, या आप सॉस के साथ खाओ, या हरी चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ ये पकौड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब यहाँ पे हम प्याज के पकोड़े बना लेते हैं। तो सारे प्याज को हमने इसके अंदर डाल दिया है और बेसन में अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और धीरे धीरे देखिए एक एक प्याज को आपको इसको तेल के अंदर छोड़ते जाना है। ये देखिए इस तरीके से आपको प्याज के सारे पकोड़े बना के तैयार करना है। इसी तरीके से देखिए हमें बेसन में मिक्स करके इसको एक एक छोड़ते जाएंगे तेल के अंदर। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे प्याज के पकोड़े भी बन के तैयार है। ये देखिए तो इनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना दोस्तों। और प्लीज़ दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। तो देखिए हम प्याज के पकौड़े भी बाहर निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों हमारे आलू मिर्च और प्याज के पकोड़े बनके तैयार हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है दोस्तों। ये देखिए तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। और पूरा हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।